बॉलीवुड की कई फिल्मों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। कई बार उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन कई बार वेल रिटन कैरेक्टर्स और अच्छी एक्टिंग के कारण ऐसे रोल्स मेमोरेबल बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बेस्ट ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स की बात करेंगे। जो लोग अपनी असलियत दिखाने से डरते हैं ना, वो कभी जीतते नहीं बाबू। नंबर 8, प्रकाश राज इन अप्पू। प्रकाश राज को बॉलीवुड का फर्स्ट एक्टर माना जाता है, जिन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। इन्होंने तमिल मूवी अप्पू में महारानी का रोल प्ले किया एंड प्रूव्ड इट अगेन कि वो किसी भी तरह के रोल को परफेक्टली प्ले कर सकते हैं, चाहे वो विलेन का रोल या एक डिसेंट रोल। नंबर 7, निर्मल पांडे इन दायरा। 1966 की फिल्म दायरे में निर्मल पांडे ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, जिसके लिए इन्हें फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। मूवी में इनका रोल बहुत ही पावरफुल था, जिसे इन्होंने काफी ऑथेंटिसिटी के साथ प्ले किया था। नंबर 7, महेश मांजरेकर इन रज्जो। रज्जो फिल्म में ट्रांसजेंडर का रोल करके महेश मांजरेकर ने सबको सरप्राइज कर दिया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं हुई, लेकिन महेश के कैरेक्टर को ऑडियंस द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया गया था। महेश ने फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म में जिस तरह से उनके हैंड गेस्टर्स और मैनर्स थे, वह ट्रूली एक्सेप्शनल एंड एवरीथिंग स्पोक वैल्यूम अबाउट द ट्रांस कम्युनिटी। नंबर 5, परेश रावल इन तमन्ना। परेश रावल कभी भी अपनी वर्सेटिलिटी और एक्टिंग स्किल से हमें निराश नहीं करते हैं, और उनकी अंडररेटेड मूवीज में से एक तमन्ना भी है, जिसमें उन्होंने टिक्कू का रोल प्ले किया था। टिक्कू के कैरेक्टर के जरिए हम ये जान पाते हैं कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है। इस फिल्म में परेश रावल की परफॉर्मेंस वन ऑफ इस हाईली लव्ड परफॉर्मेंस है, जिसे न सिर्फ ऑडियंस द्वारा पसंद किया गया बल्कि क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। नंबर 4, विजय राज इन गंगूबाई कैतवाड़ी। विजय राज, जिन्होंने गंगूबाई फिल्म में रजिया का रोल प्ले किया था, जिन्हें आलिया भट्ट के जितनी ही अप्रिसिएशन मिली थी, फिल्म में एक छोटा सा रोल होने के बावजूद भी विजय ने इस रोल के साथ फुल जस्टिस किया था एंड सेट द सीन्स फॉर आलिया। इसके अलावा एक नेगेटिव रोल होने के बावजूद भी रजिया बाई का रोल फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट था। रजिया को हराना और कोठे पे डोली लाना सपने हैं दोनों। नंबर 3, धीरज पांडे इन मर्डर 2। एक्टर प्रशांत नारायणन ने मर्डर 2 में एक ट्रांसजेंडर के साथ साथ डेडली विलेन का भी रोल बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से पोर्ट्रे किया था। लुक्स और किलिंग से लेकर इंटेलिजेंस तक हर चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, और इसके साथ ही धीरज पांडे का कैरेक्टर बहुत ही वेल रिटन था, जिसे देखने के बाद श्योरली आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। काय को गए, बेवजह किसी को फोड़ने का नहीं, पर अगला ना माने तो फिर उसको छोड़ने का नहीं। नंबर 2, सदाशिव अमरापुरकर इन सड़क। सदाशिव एज सारी क्लैड महारानी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। इस रोल से हमें एज एन एक्टर उनकी वर्सेटिलिटी का पता चलता है। जिस तरह से मूवी में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर के इमोशंस को शो किया था, उससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे एक्टर है। सड़क मूवी में उनके कैरेक्टर को देखकर कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि एक विलन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा, यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। ये सब क्या है चाचा? नंबर 1, आशुतोष राणा इन संघर्ष। आज लज्जा शंकर पांडे आशुतोष राणा आज तक सबसे बेस्ट एक्टर है, जिन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया। फिल्म में उनका कैरेक्टर बच्चों को किडनैप करता है और उन्हें सैक्रिफाइस कर देता है। 1999 में इस फिल्म के रिलीज होने से पहले बॉलीवुड में कभी भी इतना टेरिफाइंग और वेंजफुल विलन देखने को नहीं मिला था। राणा ने न सिर्फ एक ट्रांसजेंडर का रोल बेस्ट वे में प्ले किया था, बल्कि उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि किसी फिल्म में थर्ड जेंडर को ऐड करने से मूवी की स्टोरीलाइन कितनी अपलिफ्ट हो सकती है। एट द एंड आशुतोष राणा को इस रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट विलन भी मिला था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया है या फिर आने वाले फिल्मों में करने वाले हैं।
सो वीडियो खत्म करने से पहले डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इसी तरह जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।